हेलो स्टूडेंट्स आई एम वी आई जे सर विजय जैन सीनियर रेजोनेंस केमिस्ट्री फैकल्टी रेजोनेंस की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो सॉल्यूशन डिस्कशन में 1204 2023 शिफ्ट वन जे मेन 2023 ट्वेंटी थ्री मेमोरी बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन आईनिक एक्बिरियम से हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू वन लीटर ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ़ एस हैविंग पी टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ पी टू तो बेटा इसमें क्या करना है डाइल्यूशन फॉर्मूला लगाना है और यहाँ से ये फाइंड कर लेना है ये आपको कितना दिया है वन ये कितना दिया है पी एच वन तो एच प्लस आयन एन कंसल्टेशन टेन टू द पावर माइनस वन मोलर और एस सी एल स्ट्रॉन्ग एसिडे अल्फा वन होता है तो ये ऐसे हो गया और ये कितना चाहिए आपको ये चाहिए अब इससे आपने यहां वी एफ सोल्व कर लिया तो टेन लीटर आ गया लेकिन अभी भी ट्विस्ट है आप टेन आंसर मत कर देना एडिड तो कितना हो गया नाइन हो गया नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेशन इसमें एक ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा प्लस एन ए सी एल अब कैल्शियम कार्बोनेट से एस सी एल की रिएक्शन करेंगे एसिड बेस रिएक्शन हो गई एस सी एल स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कार्बोनेट को कार्बोनिक एसिड को बाहर निकालेगा कि चल तू बाहर निकल मैं स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब मोर रिएक्टिव मेरा सॉल्ट बनाएगा तो ये एस टू सीओ टू एस टू सीओ थ्री अनेबल है तो अच्छा रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन नाउ कमिंग टू दिस तो डाउन द ग्रुप क्या है डेंसिटी बेटा क्या है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम यानी और एटॉमिक वॉल्यूम अब यह भी बढ़ता है ये भी बढ़ता है लेकिन ये डोमिनेट करता है इन एस ब्लॉक मेटल्स में तो डी बढ़ जाती है लेकिन सोडियम पोटेशियम में एक एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन बेटा क्या है जैसे सोडियम इलेवन ये तो अंदर से पूरा भरा हुआ है पोटेशियम को देखें तो ये अंदर से एट पे अटक गया तो इसकी कैपेसिटी कितनी एटीन इलेक्ट्रॉन की होलो है तो यहां एक्सेप्शन आ जाएगा होलो होने की वजह से इसकी डेंसिटी कम सोडियम की ज्यादा हो जाएगी तो इनकी पोजीशन शिफ्ट करके और इस तरह से वन इज द करेक्ट आंसर तो इसको डेटा वाइज भी हमने यहां पे बताया है कमिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डाइबोरेन है कोशिश तो बहुत करी बनाना बॉन्ड बनाया बॉन्ड नहीं बनाना है बनाना बॉन्ड ही है वैसा शेप का तो पॉइंट ये है कि वो तो भी नहीं हो पाता है है ना क्योंकि थ्री एटम्स के बीच में टू इलेक्ट्रॉन्स तो टू एटम्स के बीच में टू इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड सही माना जाएगा उस तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज कि भाई सब बराबर है सब बढ़िया है तो ठीक है वो सी एच फोर ठीक हाइड्रोजन का तो नहीं हुआ इसके बाद अपने इलेक्ट्रॉन रिच है तो पेयर वगैरह है एच एफ वगैरह अमोनिया वगैरह उसमें उस तरह से बोलते हैं सेलाइन यानी सी से रिलेटेड सॉल्ट से रिलेटेड तो मैग्नीशियम हाइड्राइड या एल्कलाइन अल्कली मेटल एल्क् अर्थ मेटल के हाइड्राइड लाइक दिस तो दैट्स हाउ यू मैचिंग इजी क्वेश्चन है कमिंग टू द नेक्स्ट बोरोन एक्सट्रीमली हार्ड रियली इसमें कोई दो राय नहीं है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन अदर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप ये भी अपनी जगह से ही है तो वन इज द आंसर यहाँ डेटा वाइज भी हमने कंपेयर किया है है ना तो आप देख ही सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है यहाँ एक बड़ा शानदार है जैसे बोरोन एल्यूमिनियम घेलीम का मेल्टिंग पॉइंट तो इतना सा है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट आप देखिए ज़मीन और आसमान का अंतर है तो मतलब ठीक है रूम टेम्परेचर पे ये जो है वो ठीक है गर्मी के टाइम में आराम से ये गेलियम लिक्विड स्टेट में आने लगेगा अराउंड थर्टी डिग्री सी लेकिन बॉयलिंग पॉइंट इतना हाई होने से ये मतलब हाई थर्मल टेम्परेचर के जो है वो थर्मोमीटर्स वग़ैरह उनमें जो है वो यूज़ में होता है हाई टेम्परेचर मेजरमेंट वाले में तो ये एक अलग बात हो गई इससे रिलेटेड

लेकिन इतना वो मतलब उनमें और जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा फोर एफ भी पुअर शील्डिंग है फाइव एफ भी है और मतलब जो है अपन उस हिसाब से कह सकते हैं कि जो है वो बट फाइव एफ औरबिटर्स नॉट एज ब ठीक है वो उतने अंदर न्यूक्लियस के उस तरह से नहीं उस रूप में अपन कहेंगे ठीक है वो जेड इफेक्टिव की बात तो अलग होगी क्योंकि उसमें तो वो शील्डिंग वगैरह और फैक्टर भी सारे रेडियस का ऑर्बिट का वो सब देखने पड़ेंगे है ना तो ये ठीक है ये उतना नीचे नहीं है न्यूक्लियस के पास नहीं है तो वन अपन इसको ले सकते हैं तो यहाँ भी ये जो मैंने बोला एक्सप्लेनेशन दिया गया है नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चेंज इन स्लोप ऑफ एलिंगम ग्राफ एलिंगम ग्राफ में डेल्टा जी नॉट टेम्परेचर डिग्री सी और, और मेटल रिड्यूसिंग एजेंट तो रिडक्टेंट का ऑक्सीडेशन एमओ बनेगा लार्ज चेंज इन एंट्रोपी चेंज इन फिजिकल स्टेट तो ठीक है वो मेल्ट हो सकते हैं बॉयल हो सकते हैं तो ये दोनों बातें जो है वो सही है और अपन ने इसको ये यहाँ पे ये ग्राफ भी देखा है और आप देखो कि इतना हाई टेम्परेचर पे तो ये सॉलिड लिक्विड गैशियस हो जाएगा तो एंट्रोपी चेंज जैसे इक्वेशन होती है डेल्टा जी नॉट तो वाई हो गया डेल्टा एच नॉट सी हो गया प्लस एम एक्स तो माइनस टी डेल्टा एस तो उस हिसाब से उसमें अपन जो है स्लोप दे सकते हैं माइनस डेल्टा एस नॉड तो वो फिर ज़्यादा चेंज हो जाएगा ऐसे अपन सोच सकते हैं नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन टू एनो प्लस बी आर टू गेशियस टू एनओ बी आर गैशेज ओब इज द फॉलोइंग मैकेनिज्म एनो प्लस बी आर टू गैशेज फास्ट और ये स्लो हो गया तो स्लो में से ये इंटरमीडिएट को इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्मूले से एलिमिनेट करना पड़ेगा तो ये अपन ने पहले तो जो सिंपल सा लिख लिया स्लो स्टेप से फिर ये इक्लिबीरियम स्टेप से एनओ बी आर टू को रिप्लेस कर दिया तो ये टू और वन मिला के बेटा क्या हो गया थ्री हो गया नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा वो अपन जानते हैं कि थ्री ऑर्बिटल्स नीचे जाते हैं टू बाय फाइव से तो टू बाय फाइव से नीचे गए तो माइनस जीरो पॉइंट फोर डेल्टा ओ और ये इलेक्ट्रॉन कौन से वाले होते हैं जो है वो अपने टी टू जी से वाले हैं ना प्लस दो वाले ऊपर जाते हैं ई जी ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाले तो दो जा रहे हैं तो थ्री बाय फाइव से यानी ऊपर तो मोर ये क्रिस्टल फील्ड स्प्रिटिंग एनर्जी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ई प्लस कोई एक्स्ट्रा पेयर हो तो पी पेयरिंग एनर्जी नॉर्मल आयन कॉन्फिग्रेशन से तो इस फॉर्मुले में वैल्यू पुट कर कर के हम अपने इसको निकाल लिया जैसे यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है और ऐसे इनको पुट कर करके देख लिया और उससे ये मैच हो गया नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट एज एसिटिलाइड एसिटिलीन सब जानती हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और उनका मैग्नेटिक मूवमेंट देखें तो एसिटिलीन और एसिटिलाइड आयन अपन आयनिक कार्बाइड के हिसाब से भी देखते हैं तो पॉइंट ये ये फोर्टीन है और थ्री बॉन्ड ऑर्डर है जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन है और ये जीरो लाइक दिस तो किस ऐसा प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा एनओ प्लस फोर्टीन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओ टू प्लस टू फोर्टीन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना तो ये ओ टू प्लस टू हो जाना चाहिए या huh? so, है ना तो हेमोटी का सिंपल सा क्वेश्चन सबको टेक्निक भी आती है कि फोर्टीन इलेक्ट्रॉन पे एन ट्रिपल बॉन्ड एन तो वो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली बॉन्ड हो गया नॉर्मल स्पीशीज़ में अपन कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डी ब्लॉक की बात नहीं कर रहे नॉर्मल से कंपाउंड्स में तो है ना नन सिग्मा टू पाए तो पॉइंट क्या है कि इसीलिए नाइट्रोजन इतनी मतलब जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है क्योंकि कम रिएक्टिव है बहुत कम रिएक्टिव है नहीं तो दुनिया भर की पॉल्यूशन फैलाने वाली गैसेज एटमोसफियर में है तो बाय मोल या बाय वॉल्यूम सेवेंटी एट परसेंट पी विजिकल टू एन आर टी वी प्रपोर्शनल टू एन और उससे आप एक इलेक्ट्रॉन इधर जाओगे थर्टीन पे तो भी टू पॉइंट फाइव होगा और ज़्यादा 15 पे भी 2.5 पॉइंट बॉन्ड ऑर्डर और ऐसे फिर 12 पे 2 हो जाएगा इधर 16 पे और टू में 2 हो जाएगा नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर लैड स्टोरेज बैटरी ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है लैड स्टोरेज बैटरी में ड्यूरिंग डिस्चार्ज और यूज प्लस एच टू एस ओ ंग टू अस है ना सोल्ट एंड वॉटर ना वॉट द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो एट कैथोड पीबीएसओ फोर ए क्यू कन्वर्ट्स इंटू पी बी एस ड्यूरिंग डिस्चार्ज एनोड जैसे पी बी का कैथोड पीबीओ टू का ऐसे at anode PBS converts into PBSO4 aq during discharging. It contains 38 solution of sulfuric acid as an electrolyte. It has PbO2 grids as anode, वो कैथोड होता है, तो second सही है अपनी जगह और third electrolyte के रूप में सही है, है ना? तो उस आपसे answer आ जाएगा। ये पूरा है, फिर इसका detail discharge यानी in use वाला reaction करके NCRT के according यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ़ द फोर गैसेज ए बी एन डी आर फाइव पॉइंट ट्वेंटी पॉइंट फाइव एन वन सिक्सटी एन कैलब फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजॉर्शन ऑफ दिस तो जिसका टी सी ज्यादा होगा मतलब इजी टू लिक्विफाई है ना वो फॉर्मूला होता ही है एट ए बाई ट्वेंटी सेवन आर बी तो प्रोपोशनल टू ए तो अट्रैक्शन वगैरह ज्यादा हैं तो ईज ऑफ एड्जॉर्शन होगा आप तो उस हिसाब से आप देख लो किस में हो रहा है और सेट कर लो टीसी ज़्यादा के अकॉर्डिंग एड्जोशन adsor को नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कैलकुलेट द वेपर प्रेशर इन टॉर ऑफ वन मोलल एक्वर्स सोल्यूशन ऑफ एम जी सी एल टू हैविंग डिग्री ऑफ डिजोशन अल्फा इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज हंड्रेड टॉर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो बेटा फॉर्मूला लगाएंगे माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी ए टॉर में आ जाएगा आई एन बी ओवर एन ए बी मैंने किसको ले लिया बेटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ए सॉल्वेंट को ले लिया अब क्वेश्चन में ये तो कॉन्सेप्ट वन हो गया ये डेटा सब्सिट्यूशन कर लिया और वन मोलल One मोल ऑफ द solute इन 1 kg of ऑफ द अब i डिसोसिएशन का क्या concept होता है 1 plus n minus वन अल्फा और MgCl2 में ions कितने हैं अल्फा कितना है 0.8 तो अब इसको सॉल्व करेंगे ये हमें बेटा Pa दे de देगा ये हमने डिटेल में आपके लिए यहाँ सॉल्व भी किया है अच्छा ये वो वाला फॉर्मूला नहीं लिखा है मैंने कि पी नोड ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नोड एगल टू एक्स भी ये तो उसी को रीअरेंज करके करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट हो तो यहाँ पे फिर आई लगाना रहता है नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मेटल क्लोराइड 55 फिफ्टी बाय मास ऑफ क्लोरीन हंड्रेड एम एल ऑफ़ इट्स वेपर गिवस जीरो पॉइंट फाइव सेवन ग्राम ऑफ क्लोरिन एट एस टी पी कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ द क्लोराइड रिपोर्ट योर आंसर एज नियरेस्ट इंटीजर तो रफली रफली अपन हंड्रेड एम एल का डेटा जान रहे हैं गिवन है तो ट्वेंटी टू फोर जीरो एम एल तो पॉइंट क्या है पॉइंट इसमें बेटा ये है कि इससे आपको क्या आ गया कि इसके वन मोल में जो है कितना ग्राम क्लोरीन होगी तो अब हम क्या करें कि जो भी ये मास आए उसको मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इंटू फिफ्टी फाइव बाई हंड्रेड से इक्वेट करके मोलर मास ऑफ़ द कंपाउंड निकाल लें तो ये यहाँ पे हमने आपके लिए पूरा जो मैंने बोला वो सॉल्व किया है अब ठीक है उसमें वैसे मेंशन होता है कि एन टी पी ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर या वो थो थोड़ा ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन लीटर तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ट्वेंटी टू पॉइंट फोर के अकॉर्डिंग ही करना था तो से हमने कर दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गैस विद मॉलिकुलर वेट 42 टू एमयू विल हैव सेम रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी सी आर एम एस एट ट्वेंटी सेवन डिग्री सी एज दैट ऑफ मोस्ट प्रोबेबल जो है वो तो ये एम निकाल लो है ना अलग अलग ये टी हो सकते हैं और ये हमने यहाँ आपके लिए पूरा सॉल्व कर दिया एम भी निकाल लिया तो ट्वेंटी एट सी हो गया नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फाइसो थर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस कैरेड आउट एट पी वन इज थ्री ए टी एम फ्रॉम इनिशियल टू लीटर टू वी फाइनल थ्री लीटर एंड टेम्परेचर इज थ्री फिफ्टी कैलविन कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी फॉर द सिस्टम इन जूल तो डेल्टा एस सिस्टम रिवर्सिबल आइसोथर्मल क्या फॉर्मूला होता है बेटा बड़ा वाला फॉर्मूला तो एनसीबी एल एन टी टू बाई टी वन एनआर प्लस एनआर एल एन बी टू बाई बी वन तो वो तो टेंपरेचर आइसोथर्मल है तो क्या बचा यही बचा और अगर आपको ये नहीं दिया हुआ तो इसको इससे सब्सिट्यूट करो और सॉल्व करो तो यहाँ पे हमें ये सब वैल्यूज़ दी हुई हैं तो उन वैल्यूज़ को अपन ने रख दिया और सॉल्व किया और जूल में फिर कन्वर्जन फैक्टर लगा के करा तो ये आ गया तो आई होप आप सबका जिन्होंने ये पेपर दिया है बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा मॉडरेटेड वर्ड्स इजी साइड है और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे तो विश यू ऑल गुड लक गॉड ब्लेस यू ऑल